स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्दर डिफिनेशंस ऑफ एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ फेज सेल्स एंड फेज स्पेस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द गिवन एनर्जी रेंज फॉर थ्री डायमेंशनल फ्री पार्टिकल. So the microstate of a particle can be specified by three position coordinate x, y, z and three momentum coordinate px, py, pz. ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि six dimensional space होता है जिसमें से तीन position coordinate और तीन momentum coordinate से define किए जाते हैं. और the volume of the phase cell is in the phase space is given by the multiplication of all six quantities. So, हम लोग जानते भी हैं कि सभी एक एक h के बराबर होते हैं. अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हम लोग ले तो द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन एंड द मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h. सो अगर थ्री क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन लें x का px के साथ, y का py के साथ, z का pz के साथ, सो एक क्वांटिटी आएगा h into h into h, h क्यूब आएगा. ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर रहे हैं. सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल इज, तो कि यहाँ पे तीन वॉल्यूम है और अगर कॉम्बिनेशन हम लोग लें तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं. इसलिए 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा. हम लोग जानते हैं कि dx, dy, dz का अगर थ्री डायमेंशनल में अगर इसका वॉल्यूम कंसिडर करें तो इसका वैल्यू आएगा v. इसको हम लोग कैपिटल v डिनोट किए हैं. बाकी हमारा dpx, dpy, dpz यहाँ पे सेम टू सेम है. क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस. नाउ कंसिडर दैट द इन द एनर्जी रेंज 0 टू कैपिटल E the possible value of the momentum is from 0 to p. So this value is v. इस v का value जो होगा वो होगा, अगर हम लोग मान के चले कि ये एक sphere है तो sphere का volume हो हम लोग जानते हैं 4 pi r cube होता है. और r की जगह पे हम लोग use करेंगे, अगर radius को अगर हम p assume कर रहे हैं तो p cube होगा. r की जगह पे p, so p cube, p max cube. ये कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को नहीं हुआ, ये क्लियर है. नेक्स्ट आगे, द एनर्जी ऑफ ई ऑफ ए फ्री पार्टिकल इज ओनली काइनेटिक. सो यूजिंग द एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, पी मैक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों का ऐड, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई, दैट इज 2me. सो इस पी एक्स पी स्क्वायर मैक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2me. यहाँ 2me पुट हो गया. क्योंकि ये पी क्यूब है तो यहाँ से पी मैक्स का वैल्यू जो होगा रूट ओवर 2me का पावर हाफ होगा. और पहले से यहाँ पे क्यूब है तो ये हो जाएगा 3/2. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 है हमारा ये और इक्वेशन 3 है हमारा ये. इस दोनों को यूज करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फेस सेल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा. इसके जगह पे ये इक्वेशन 2 का वैल्यू है, आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन 2 में ये है, इक्वेशन 2 के जगह पे डायरेक्टली हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे. नाउ द नंबर ऑफ सेल्स इन द फेस स्पेस, नंबर ऑफ फेस सेल्स हम लोग फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ फेस सेल्स हो जाएंगे हमारा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका जो हमारा फाइंड किया हुआ वैल्यू है 1/h³. सो 1/h³ से इसको हम लोग डिवाइड कर दें, सॉल्व करेंगे 2me पावर 3/2, 4π v और नीचे का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h³. ये पहले ही बता चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फेस सेल्स क्या होता है h³, इसलिए h³ से यहाँ पे डिवाइड किया गया. यहाँ पे ये यह हमारा कंप्लीट हुआ नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द फेज स्पेस, जिसका वैल्यू हमारा ये होता है 4π v 3h³ इंटू 2me
टू द पावर 3/2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स पढ़े, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे हमारे हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स में भी कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो उस मोशन को अपोज करते हैं, और फाइनल रिजल्ट हमारा होता है, अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरा 3n है और कॉन्स्ट्रेंट अगर है हमारा f, तो ये हो जाता है 3n-f, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वही सेम डिफिनेशन है, द कॉन्स्टेंट इज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द फिजिकल लॉज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द सेल्स इन द फेज स्पेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम। सो लेट अस कंसीडर दैट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से एन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। सपोज दैट N1 molecules are in the cell 1 and N2 molecules in the cell 2. So, further NR molecules in the cell small r. So, total number of constraints kya ho jayenge? N1, N2, N3, is tarah se karte hue NR. To ye hum log summation use karenge from 1 to R, NI. Aur isko hum log maan ke chal rahe hain, kyunki number of particles molecules capital N hai. To ye capital N hamara leke chal rahe hain. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब आते हैं एक्सेसिबल स्टेट्स किसको डिफाइन करेंगे। द परमिटेड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अंडर द कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज्ड अपॉन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सेसिबल स्टेट। मतलब कि कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज्ड करने के बाद, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड करने के बाद, जितने परमिटेड नंबर हमारा परमिशन रहेगा माइक्रोस्टेट का मूव करने का सिस्टम में, उसको हम लोग कहेंगे एक्सेसिबल स्टेट्स। इसके डेरिवेशन में देखते हैं। लेट द टोटल एनर्जी इज ई ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सपोज N1 मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी एप्सिलॉन 1 ईच एंड N2 मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी एप्सिलॉन 2 ईच, देन वी हैव कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एक टर्म एक के साथ मल्टीप्लाई होगा N1 E1 N2 E2। इस तरह से अगर टोटल R मॉलिक्यूल्स के लिए ले, सो ये हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर एन आई एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल ई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से हम एक्सेसिबल स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फेज सेल्स फेज स्पेस का डिफिनेशन, उसका डेरिवेशन सारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे एनसेंबल्स थ्योरी के बारे में। एनसेंबल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एनसेंबल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तीन तरह के एनसेंबल्स हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रोकैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल्स, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसेंबल्स देखते हैं क्या है। एन एनसेंबल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ असेंबलीज विच आर एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मतलब असेंबलीज का कनेक्शन होता है जो एक दूसरे से अलग अलग होता है, बट विच हैव बीन मेड मैक्रोस्कोपिकली एज आइडेंटिकल एज पॉसिबल। मतलब उसको बड़े पैमाने पर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आइडेंटिकल हो, बाय बीइंग माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल वी मीन दैट ईच असेंबली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम वैल्यू ऑफ सेट माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स विच यूनिकली डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द असेंबली। इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट को ये डिफाइन करता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनसेंबल्स, माइक्रोकैनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इन तीनों असेंबलीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, माइक्रोकैनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेंबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, और ये बेसिकली ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है।